देखिए जब भी हम मशीन को यूज करते हैं, पहले यूज किया फ्रंट लोड टॉप लोड ऑटोमेटिक करिए ना, तो आपको पता ही है कि पानी तो ऑन रहता है, बिजली ऑन रहेगी, ड्रेन पाइप नीचे डाउन रहेगा। जब भी आप मशीन को यूज करेंगे तो पहले पानी को ऑन कर दो, बिजली ऑन कर दो, ड्रेन पाइप को नीचे सेट कर दो, उसके बाद जो भी कपड़े धोने हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। एक बार में इसमें 18 से 19 20 कपड़े आ जाते हैं रेगुलर यूज, हम डेली यूज करते हैं। अगर हैवी कपड़े हैं, जैसे विंटर में सारे हैवी कपड़े हैं, जैकेट है, मोटे इनर वगैरह है, सब मोटे कपड़े हैं, तो कम हो सकते हैं 17-18 कपड़े आएंगे। लेकिन अगर चद्दर डाल रहे हैं, कंबर डाल रहे हैं या जीन्स डाल रहे हैं, तो वो देख लेना कि इसमें फिक्स नहीं करना कि बहुत ज्यादा टाइट जबरदस्ती करके डाल रहे हैं। केजी का हिसाब है ना, तो उसी हिसाब से डालेंगे। तो 20 कपड़े तक मैंने बताया है आपको वो डालने हैं, और हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ आपको डालना है डिटर्जेंट बिग स्पेस में, जितना जरूरत है उतना ही। यहाँ पे ब्लू व्हाइटनर कम्फर्ट सॉफ्टनर, जैसे सारे अपने कपड़े व्हाइट है तो ब्लू डालो, नहीं तो कम्फर्ट सॉफ्टनर व्हाइटनर जो डालना है यहाँ डाल दो। यहाँ कुछ नहीं डालते, यहाँ पर भी अगर डालते हैं तो डिटर्जेंट ही डालते हैं, लेकिन जब डालते हैं, जब एक ही लॉट को मुझे दो बार धोना है, यानी कि प्री वॉश करना है। ठीक है, कितना आप सजेस्ट करते हैं, 2 स्पून या 1.5 स्पून काफी होता है अपने अकॉर्डिंग में। अब देखो कपड़े आपके सारे लाइट है, घर के ही कपड़े हैं, तो उसके लिए तो 1 चम्मच भी बहुत है, आधा चम्मच भी बहुत है। एरियल सर्फ एक्सल कोई भी डाल दो और इसे कर दो बंद। क्लियर है इतना? क्या क्या किया हमने, बिजली, पानी, ड्रेन सेट कर दिया, कपड़े और सर्फ डाल दिए। ठीक है सर, आप फंक्शंस बता देते हैं। पहला बटन है पावर, आपने ऑन किया, ये लाइट जली, एक जगह के रुक गई, कहाँ रुक गई, कॉटन हैवी चद्दर पर्दे जींस वगैरह। अगर मैंने इसको ऐसे नीचे डाल किया तो कहाँ आ गया, कॉटन प्लस हैवी के साथ साथ गंदे बहुत ज्यादा है। अगेन किया तो कहाँ आ गया, टर्बो 39, ज्यादा कपड़े नहीं है, 4-5 कपड़े है बस, मिक्स फैब्रिक जो रेगुलर यूज है, जींस भी है, टॉवल भी है, पैंट भी, अंडर गारमेंट्स भी है सारे। नीचे गए इजी केयर, जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क, लेडीज कपड़ों पे वर्क लगा हुआ होता है। उसके नीचे गए एलर्जी केयर, जैसे हॉस्पिटलाइज कपड़े, जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए, उनके बिस्तर हैं, उनके कपड़ों को हाइजीन करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है। अगेन गए तो रिफ्रेश, जैसे कुछ कपड़े मैंने बेड में रखे हुए हैं कबर्ड में, वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करे, लेकिन आज मुझे जनरली शाम को कहीं जाना है तो मैं चाहता हूँ वो कपड़ों को रिफ्रेश कर लूँ, थोड़ा सा स्मेल वगैरह ख़त्म कर दूँ। इधर जाएंगे तो कहा गया डाउनलोड साइकिल, जैसे मैंने कुछ कपड़े ना हाथों से धो लिए, वो सिर्फ मुझे खंगालने और सुखाने, रिंस और स्पिन करना। अभी आ गया टब क्लीन, टब क्लीन का मतलब मैंने मशीन को यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया तो मुझे इसकी सर्विस करनी है सर। इसका एक पाउडर आता है स्केलिंगो केमिकल, वो केमिकल यहाँ डालना है एक बार में 1 पैकेट, और इसे बंद करना है, टब क्लीन पर लगाना है और स्टार्ट कर देना है। जो भी फंक्शन सेट करोगे वो सेट करके स्टार्ट करना है। ठीक है, वॉश प्लस ड्रायर, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, कोई भी फंक्शन लगा रहे थे तो उसमें कपड़े वॉश हो रहे थे, रिंस हो रहे थे और स्पिन हो रहा था, स्पिन मतलब जो नॉर्मली स्पिन होता है हम सुखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, वॉश रिंस प्लस ड्रायर पूरे सूख जाएंगे। हाँ जी, वो देख ली बेटे, मेरे को पता है, ये बस ये लगा के स्टार्ट करना है, वो अपने आप कर लेगा। इसमें किस टाइप के मिक्स कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मिक्स ही होंगे, लेकिन आधे लोड जब ड्रायर ऑप्शन लगाना तो हाफ लोड होना चाहिए, जैसे कि 7-8 कपड़े हो, 10 कपड़े हो बस, ज्यादा नहीं, 10 कपड़े मान, उसके ऊपर जाओ ड्रायर ओनली। जैसे मैंने कुछ कपड़े यहाँ धो लिए, अब आपको लग रहा है कि वेदर इतना खराब है कि हम बाहर नहीं सुखाने, तो ड्रायर लगा दो। ये धुले हुए कपड़ों को ड्रायर करने के लिए, और ये गंदे कपड़ों को धोना, खंगालना और ड्रायर करना, दोनों का डिफरेंट पता लग गया आपको? नहीं, पर अगर हम यहाँ पे फिर धुलेंगे करेंगे और हमें ड्राई करना है तो हम डायरेक्ट ही वो मोड लगाएंगे ना, वॉश ड्रायर। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाथ से धो रखे कपड़े, मान लो हाथ से धो रखे हैं वो सुखाने हैं, या इधर धुल गए, आप नहीं थे, किसने वो लगा दिया, अब आपको लगता है ड्रायर करना है तो ये ओनली ड्रायर आएगा। ठीक है सर, उसके ऊपर जाएंगे स्पीड 14, अंडर गारमेंट्स या 2 शर्ट धोनी है बस, ज्यादा कपड़े नहीं है, हैंड वूल वूलन स्वेटर वगैरह भी, विंटर सीजन है, डेली केप महंगे सेंसिटिव कपड़े जो आपके सिंथेटिक वगैरह सिल्की वगैरह कपड़े होते हैं, तो ये क्लियर हो गए सारे। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है कॉटन होता है, मिक्स, अच्छा मिक्स फैब्रिक, हां ठीक है, कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया अभी, मिक्स, कितने घंटे का हो गए, 1 घंटा 20 का बस, 3 घंटे अगर ड्रायर लगाओगे तो 4 घंटे, अगर ड्रायर लगाएंगे तो 3-3.5 घंटे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि हमें ना बार बार वॉश पर ड्रायर पे नहीं लगाना पड़े, मिक्स पे ही हम ड्रायर करना चाहते हैं,
मिक्स वाले कपड़े लगाए हैं तो हम इधर जैसे मुझे स्टीम देनी है तो ये एडिशनल ऑप्शन है सर, इनको ऐड करना है तो पावर ऑन करके सेट करो फिर ऐड करो फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट इज द लास्ट ऑप्शन। अब जैसे स्टीम लगा के स्टार्ट किया तो स्टीम लगेगी, हाइजीन होंगे कपड़े। अगर मैं ड्रायर करूं तो ये टर्बो मतलब थोड़ा जल्दी स्पीड से चलेगी, ड्रायर मतलब अभी ड्रायर लग गया इसमें, मैं स्टार्ट करूंगा तो वो भी ड्रायर हो जाएगा। दोनों ये वाला फंक्शन के वॉश प्लस ड्रायर वाला फंक्शन है, यहाँ लग गया। पर फिर वो 7 kg तो नहीं होंगे, वो तो ज्यादा होंगे। हाँ तो हम कम कर डालेंगे ना, फिर ड्राई करना है जब भी ड्राई करना है तो 7 से कम। ड्रायर ऑप्शन लगाओगे तो कम ही होंगे कपड़े, लेकिन एक ऑप्शन है जैसे मेरे हल्के हल्के कपड़े थे शर्ट सूट है हल्के हल्के, उनको ड्रायर करना लेकिन मैं 4 घंटे नहीं चला सकता, तो मैं उसमें ऑप्शन भी है सॉरी 1/2 घंटे का ऑप्शन है ड्रायर का, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे 2 घंटे का है। इधर जाएंगे तो ये आइकन चेंज हो जाएगा, ये कहा आ गया प्रेस वाला आइकन, मतलब कि आप चाहते हो कि इतने सूख जाएंगे निकाल के बाहर में प्रेस करके रख दूँ, या फिर लो टेम्परेचर वाले कपड़े यानी टेरिकोट वगैरह के हल्का हल्का ड्रायर लगे, ठीक है बंद हो गया। डिले मतलब मैं चाहता हूँ कपड़े अभी नहीं धोने, 6 घंटे बाद धोने हैं तो 6 घंटे का टाइम लगा दो और स्टार्ट कर दो। अब कब चलेगी ये 6 घंटे बाद, चलती मशीन को रोकना है तो रोक सकती हो, जब भी मशीन कपड़े धोती है तो खोलोगे तो खुलेगा नहीं, 2 मिनट को फिर खुलेगा। इसके अंदर यहाँ फिल्टर है जो हर 2-3 वॉश पे निकाल के साफ करना है, ऐसे घुमाएंगे इसमें जो भी कचरा है एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से निकल जाएगा, कॉइन वगैरह, और इसमें ऐसे बंद कर दो इसे। अच्छा कॉइन वगैरह इसमें जाते हैं? हाँ बटन्स वगैरह। अगर आप चाइल्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो चाइल्ड लॉक लगा दो, इन दोनों बटन को दबा कर रखोगे तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा, अभी काम नहीं करेंगे। अच्छा मैं ऐसे ही दबा के रखूंगा तो वापस अनलॉक हो जाएगा। मुझे प्री वॉश लगाना है तो मैं प्री वॉश लगा सकता हूँ, रिंकल फ्री करना है तो रिंकल केयर लगा सकता हूँ, रिंस प्लस कर सकता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकती हूँ, वाईफाई से एक बार कनेक्ट करवाना मेरा। अगर ओनली स्पिन करना हो जैसे मैंने कुछ कपड़े हैंड वॉश करे हुए सिर्फ सुखाने हैं, होता ना कई बार हाथों से धो लिए सिर्फ सुखाने ही है, पावर स्पिन स्टार्ट, पावर स्पिन स्टार्ट। ड्रायर ड्रायर नहीं करना मुझे, नॉर्मली ड्रायर ही कर। अभी क्या होगा देखो, अभी 15-20 दिन की बात है, इतनी तेज धूप आएगी ड्रायर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ओनली स्पिन करो, डाल दो, डालने तो नहीं है तभी तो लिए तो, नहीं डालने तो ड्रायर कर लेना। क्लियर हो गया जी? हाँ जी आपको? मेरे को नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आओ ना आगे, फिर आप तो उधर एसी पे ध्यान है, क्यों